बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे तुर्किया की। जमीनी जलजले ने सब कुछ तहस तहस कर दिया। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें गिर गई हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर जलजले से वसी पैमाने पर जाने और माली नुकसान का खदशा है। इब्तदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई की गई है और 10 अफराद के जान बाँग होने की तस्दीक कर दी गई है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्किया की जमीन लरज उठी है और अब तक 10 अफराद के जान बाँग होने की इत्तला आ रही है। जलजले के झटके दारुल हुकूमत अंकारा और दीगर शहरों में महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर है, जानी और माली नुकसान अभी जाहिर किया जा रहा है और अभी ये तस्दीक कर दी गई है तुर्किया हुकाम की जानिब से कि 10 लोग इस अफसोसनाक हादसे में जान बाँग हो गए हैं। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। शदीद जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें गिर गई हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर जलजले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। इब्तदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई गई है। 5 और 10 अफराद की जान बाँग होने की तस्दीक हो गई है। कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला आ रही हैं। तुर्किया के चैनल्स के मुताबिक मलबे तले सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। ये मनाजर भी आपको बॉलीवुड की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी इमारतें खंडरात में तब्दील हो गई हैं। इंतहाई अफसोसनाक मनाजर हैं। इमरजेंसी की सूरत हाल नाफिज कर दी गई है और अब तक 10 अफराद जलजले के झटके दारुल अंकारा और दीगर शहरों में महसूस किए गए हैं। 10 अफराद के जान बाँग होने की तस्दीक कर दी गई है तुर्किया हुकाम की जानिब से। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर जलजले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। जलजले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। शदीद जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू की टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर जलजले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जलजले की शिद्दत 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई गई है। 5 अफराद की जान बाँग होने की तस्दीक कर दी गई है। कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला आ रही है। लोग परेशान हैं, गमजदा हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। तुर्किया की जमीन लरज उठी है। शदीद जलजले ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। जनूबी तुर्किया में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। कई इलाकों में इमारतें गिर गई हैं। शदीद सर्दी में हजारों अफराद खुले आसमान तले आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में पहुंचना शुरू हो गई हैं। तुर्क सदर ने फौज भी इलाके में भेजने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर जलजले से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर जलजले की 7.9 और गहराई 24.1 किलोमीटर बताई जा रही है। 10 अफराद के जान बाँग होने की तस्दीक भी कई अफराद के जख्मी होने की इत्तला आ रही हैं। तुर्किया के चैनल्स के मुताबिक मलबे तले सैकड़ों अफराद दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, ये क्यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सान है पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।